नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं जीरकपुर के एक बहुत ही प्राइम लोकेशन में, आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है और जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सावित्री ग्रीन्स। यहाँ दोस्तों यहाँ पे दो तरीके के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, 4 BHK और 3 BHK। तो आज जो हम आपको फ्लैट दिखाने वाले हैं वो है 3 BHK। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी है हमारी सावित्री ग्रीन्स की पीछे टावर्स। यहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं और साथ ही साथ अभी जो बन रहे हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं 3 BHK फ्लैट का सैंपल और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे 4 BHK फ्लैट का सैंपल। तो देखिए दोस्तों अब हम अंदर आ गए हैं और सबसे पहले एंट्री पे ही आपको यहाँ पे मिलेगी हमारा फॉयर एरिया। इसको आप अपने तरफ से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। इसी के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे हमने एसी की फैसिलिटी दी हुई है, डक्टिंग आपको अवेलेबल होगी, आप अपना एसी यहाँ पे लगा सकते हैं। और फॉयर एरिया के सामने ही दोस्तों हमारा जो पड़ता है वो है आप देखिए लिविंग एरिया। दोस्तों इस लिविंग एरिया का जो साइज़ है वो है 21x10 feet। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो फ्लैट है हमारा वो सेमी फर्निश्ड है, आप जो फर्नीचर देख रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, बट इसके अलावा जो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं वो एज इट इज़ मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया वुड पैनलिंग की डिज़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है एक, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए जगह मिलती है। और यहाँ पे आप एक टीवी भी लगा सकते हैं, एक सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप करना चाहें। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आपको दिखाऊं यहाँ पे ये भी वुडन टेक्सचर में आपको यहाँ पे एक डिज़ाइन दिया गया है जो आपके लिविंग एरिया को और भी अच्छा दिखाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपना फॉल सीलिंग भी देख सकते हैं, क्या बढ़िया तरीके से वाइट कलर में बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी में आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल रही है। तो चलिए दोस्तों लिविंग एरिया से निकल के अपने चलते हैं डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया में आपको दिखाता हूँ कितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 6-seater डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बावजूद हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसका जो साइज़ है दोस्तों, डायमेंशन है वो है 12x16 का, और स्पेस हमारे पास यहाँ पे बहुत अवेलेबल होता है। आपको ऊपर दिखाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए फॉल सीलिंग मैंने आपको लिविंग एरिया में भी दिखाई थी, और यहाँ पे भी देखिए क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे फॉल सीलिंग की हुई है, वुडन टेक्सचर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे वॉलपेपर्स भी ऊपर लगे हुए हैं और इसको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न में डिज़ाइन किया हुआ है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे पास बालकोनी अवेलेबल है। इसकी जो एंट्री है वो यहाँ से है, यहाँ पे नेट डोर हमारे पास अवेलेबल है, और साथ ही साथ टफन ग्लास की भी डोर जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। और यहाँ पे एक टैप की भी फैसिलिटी है, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ वॉशिंग मशीन वगैरह रखना चाहें तो वो रख सकते हैं आराम से, क्योंकि डाइनिंग टेबल हमारा यहाँ सामने लगा हुआ है, उसके सामने ही हमारी किचन आती है, क्योंकि सर्विंग के लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है कि डाइनिंग बैठ के खाना और यहाँ पर किचन। किचन का जो साइज़ है दोस्तों वो मैं आपको बताऊँ 7x10 का है, और यहाँ पे आपको पूरी ग्रेनाइट की फिनिशिंग एक बार मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे मॉड्यूलर कैबिनेट्स हैं हमारे, देखिए काफ़ी अच्छी लेमिनेशन इसके ऊपर की हुई है। और मॉड्यूलर जो हमारे ड्रॉर्स हैं उसकी खासियत देखिए, सॉफ्ट क्लोजर होते हैं, ये आराम से अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं, ये देखिए। यहाँ ऊपर भी देखिए आप किस तरीके से हमारे कैबिनेट्स बने हुए हैं, आपको यहाँ पे दो सिंक्स अवेलेबल हैं, और जो हमारी फिटिंग्स हैं जो टैप्स की वो बिल्कुल ब्रांडेड होंगी। यहाँ पे आपको गीज़र का पॉइंट भी दिया हुआ है ताकि सर्दियों में आप गीज़र लगा के वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी काफ़ी स्पेशियस किचन है, किचन ऐसी नहीं है दोस्तों की छोटी है, 7x10 की काफ़ी स्पेशियस किचन है, और जो हमारा टॉप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल सीलिंग छोटी सी, इसको अलग ही एक वाइट और ग्रे कलर का टेक्सचर में बनाया गया है, जो पूरे घर के साथ हमारे जो फॉल सीलिंग्स आप देख रहे होंगे दोस्तों, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की फॉल सीलिंग्स अवेलेबल हैं, मतलब डिज़ाइन वाइज अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे टाइल लगाई गई है जो हमारे वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है, अगर हम यहाँ पे जैसे ही गैस बर्नर रखते हैं तो उससे उठने वाला जो धुआं होता है वो इसको ख़राब नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने पहले मास्टर बेडरूम में, और उसके बाद हम दो बेडरूम और दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आते हैं हम मास्टर रूम में, ये देखिए दोस्तों ये है हमारा मास्टर बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस है, आप देखिए उधर से भी जगह हमारे पास अवेलेबल है, और ये भी सारा एरिया जो है काफ़ी खुला डुल्ला है।
यहाँ पे आप आराम से चेयर्स लगा के बैठ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा मिरर रखा हुआ है और सामान रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दी गई है। इसको आप एज अ ड्रेसिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं स्पेस को। इसमें आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा यूनिक सा एक पैटर्न बनाया हुआ है ड्रेसिंग टेबल यूज़ करने के लिए। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे बालकोनी अवेलेबल है हमारे पास इस रूम में, ताकि हमारे प्रॉपर लाइटिंग आए और आप बाहर भी जाके बैठ सकते हैं इसमें अंदर। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर बालकोनी अवेलेबल है हमारे पास। ये सेक्शन है दोस्तों हमारा वार्डरोब का। यहाँ पे आप देखिए स्लाइडिंग डोर्स है वार्डरोब में और ये ऊपर तक आपको अवेलेबल है। इसके जो पैनल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया थिक वुडन से बनाए गए हैं और ऊपर जो हमारी जो सरमाइका लगाई है वो भी काफ़ी क्लासी स्लीक सा एक फील देती है। इसी के साथ दोस्तों ड्रेसिंग के साथ ही मैं आपको बताऊं यहाँ पे हमारे पे वॉशरूम अवेलेबल है जो अटैच इस रूम के साथ है मास्टर बेडरूम के साथ, और इसमें जो फिटिंग्स हैं वो सारी ब्रांडेड हैं। टाइल्स भी देख सकते हैं आप पूरे वॉल पे फिनिश्ड है। और एक साथ ही साथ यहाँ पे एक विंडो मिलती है हमें जो वेंटिलेशन के काम आती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम फ्लोर देखेंगे तो यहाँ पे एंटी स्किड टाइल्स अवेलेबल हैं जो एक वुडन टेक्सचर में है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे टेक्सचर लग रहा है इस चीज़ का। तो चलिए दोस्तों अब आपको दूसरा बेडरूम दिखाते हैं, आइए। इसी के बगल में दोस्तों मास्टर बेडरूम के बगल में ही हमारा दूसरा बेडरूम आता है, आइए इसके अंदर चलते हैं। ये भी रूम दोस्तों हमारा जो अवेलेबल है वो है 10x11 का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग की हुई है। ये पूरा पैनल लगाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे अपने LCD लगा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सामान रखने के लिए आपको स्पेस दिया गया है और ड्रॉर अवेलेबल है। ये सेक्शन भी आप देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे भी आप अपनी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको बालकोनी अवेलेबल है। हर रूम के साथ दोस्तों यहाँ पे बालकोनी अवेलेबल है ताकि पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट आपको प्रॉपर आती रहे। अब देखते हैं दोस्तों हमारे बेड सेक्शन की तरफ। देखिए किंग साइज बेड लगा हुआ है, उसके पीछे जो हमारा पूरा फर्निश किया हुआ है इसको टेक्सचर लगाया हुआ है। ये देखिए आप वॉलपेपर्स लगे हुए हैं और डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया लगाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे दो लाइटिंग की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है जिनके स्विच आपको बेड के दोनों तरफ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे AC की फैसिलिटी मिलेगी, AC डेक्टिंग आपको देंगे यहाँ पे, AC आपको अपना लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी स्पेस हमारा बेड लगाने के बाद बच जाता है। देखिए कितना खुला रूम है, स्पेशियस रूम है। यहाँ पे दोस्तों हमारी वार्डरोब फैसिलिटी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वार्डरोब्स स्लाइडिंग डोर्स हैं इसके अंदर और काफ़ी अच्छा एक वुडन टेक्सचर का इसके ऊपर सरमाइका लगाया हुआ है। काफ़ी स्लिपरी, काफ़ी रॉयल लुक देता है। इसी के साथ दोस्तों रूम का हम वॉशरूम चेक करते हैं। ये देखिए ये हमारा वॉशरूम है। इसमें भी दोस्तों एंटी स्किड टाइल्स, सारी फिटिंग्स जो आपको मिलेंगी वो ब्रांडेड मिलेंगी और वॉल पे जो टाइल्स हैं हमारी वो भी पूरी फिनिश्ड मिलेंगी। आइए दोस्तों अपने थर्ड बेडरूम में चलते हैं और आपको उसको भी दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा थर्ड बेडरूम है। ये देखिए दोस्तों ये है हमारा थर्ड बेडरूम, जिसे आप किड्स रूम भी कह सकते हैं और गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। ये भी रूम भी हमारा काफ़ी स्पेशियस है। देखिए दोनों तरफ हमारे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। बेड के साथ ही हमारी जो वॉल लगती है इसका भी टेक्सचर दोस्तों अलग है। तीनों रूम्स में आप देख सकते हैं जो टेक्सचर्स हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं, ताकि तीनों रूम जो हमारे हैं उनके जो लुक्स हैं वो अलग अलग आएँ। इस रूम में दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी आपको विंडो मिलती है। इस रूम में हमारे पास बालकोनी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बट वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर हमने एक विंडो प्रोवाइड की हुई है। साथ ही साथ इस वाले वॉल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा वार्डरोब भी अवेलेबल है। ये भी आपको टॉप तक मिलता है। और वार्डरोब के बगल में ही आप देखेंगे हमारे पास TV पैनल के लिए
वॉल है, यहाँ पे आप अपनी LCD लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम अवेलेबल है, अटैच वॉशरूम है, इसमें भी आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती है नीचे, ये देखिए। और सारी जो हमारी फिटिंग्स हैं वो ब्रांडेड रहेंगी, साथ ही साथ जो हमारी वॉल टाइल्स हैं वो भी ब्रांडेड हैं और पूरी फुल फर्निश्ड है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, खास बात है इस बाथरूम की क्या कि ये दोनों रूम्स के साथ, यानी कि एक हमारा जो हॉल है डाइनिंग रूम और एक जो ये अलग से थर्ड बेडरूम था उसके साथ, दोनों के साथ अटैच्ड है। आप दोनों तरफ से एंट्री इसमें कर सकते हैं, तो कोई भी गेस्ट आते हैं उनको वॉशरूम अगर यूज़ करना है तो ईजीली इस वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं, उनको अलग से रूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे घर में दोस्तों मैंने आपको फ्लोरिंग नहीं दिखाई, फिलहाल फ्लोरिंग में दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरी प्रॉपर टाइलिंग यूज़ की हुई है, यहाँ पे आपको 2x4 की टाइल्स मिलती हैं डबल चार्ज्ड, और काफ़ी अच्छा टेक्सचर इसका भी है, वाइट और ग्रे हल्का सा, तो काफ़ी अच्छा इसका भी टेक्सचर प्रोवाइड किया गया है। पूरे रूम में आप इसी तरीके की फ्लोरिंग देख सकते हैं, लिविंग एरिया हो या डाइनिंग एरिया हो या तीनों रूम्स में इसी तरीके की फ्लोरिंग अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, हमारा जो 3BHK फ्लैट था वो कितना बढ़िया तरीके से बनाया गया है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई उसकी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इस जगह की अमेनिटीज़ की। यहाँ दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है आपको जिम, क्लब, स्विमिंग पूल और बहुत ही बढ़िया गार्डन एरिया यहाँ पे बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस भी दी जा रही है जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बिल्डिंग है इसके साथ ही हमारे यहाँ पे नीचे पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है, तो ये भी बहुत जल्द बन के तैयार होने वाला है दोस्तों। फ्लैट की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, 1 साल के अंदर इसमें पोजीशन मिल जाएगा, आप भी आके यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे बस स्टैंड बहुत ही पास है, लगभग 5 मिनट की दूरी पे आपको बस स्टैंड मिल जाता है। नेशनल हाईवे जो कि हमारा चंडीगढ़ अम्बाला दिल्ली को हाईवे जाता है, वो भी 5 मिनट की दूरी पे यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों 10 से 15 मिनट की दूरी पे आप पहुँच सकते हैं वहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमें जो नेसेसिटी है हमारी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी है, तो स्कूल काफ़ी सारे यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोस्तों आपको VIP रोड पे मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे चंडीगढ़ है, पंचकूला लगता है साथ के साथ, मोहाली लगता है, तो सब जगह आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर और भी आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप साइट पर डायरेक्ट भी आके विजिट कर सकते हैं। फ्लैट आप ज़रूर देखिए, आइए, मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आइए, फ्लैट ज़रूर देखिए और अपनी बुकिंग ज़रूर कराइएगा यहाँ पर। तो नीचे दिए हुए नंबर पर दोस्तों कॉन्टैक्ट करिए, उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, नए फ्लैट नए प्रॉपर्टी के साथ बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।